बुढ़ापा ये ऐसी अवस्थाएं होती है जिसमें सबसे ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। और हमारे देश में तो जो वृद्धजन होते हैं उनको एक पेड़ की तरह माना जाता है कि जिस प्रकार से पेड़ जब तक खड़ा रहता है तब तक छांव देता रहता है, उसी प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं, हमारे जो वृद्धजन होते हैं, जब तक घर में रहते हैं तब तक वो अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं और हमें लाभान्वित करते रहते हैं। और उनके पेड़ जिस प्रकार से गिर जाता है, उसके पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको लकड़ी देता है, उस लकड़ी से फर्नीचर भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से उतना ही महत्व पेड़ की तरह हमारे वृद्धजन भी है। लेकिन आज जिस तरह से वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रहा है उसको देखने से ऐसे लग रहा है कि हमारे जो युवा है उनका वृद्धजनों के प्रति कितना लगाव और सम्मान है। अब तो गांव में भी, पहले शहरों में वृद्धाश्रम होता था, अब गांव में भी खुलने लगा है। और आप लोग तो जान भी रहे होंगे कि अब उसका एक रेट भी फिक्स हो गया है, आप जितनी पैसा उसका चुकता करेंगे उस हिसाब से आपको वृद्धाश्रम में होटल की तरह सुविधाएं मिलती है। वृद्ध जो है अपने घर में बहुत ही बेचारा और उपेक्षित समझते हैं। इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विचार किया और आज जो वृद्धाश्रम है, वृद्धा एक वृद्ध जन दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने इसको घोषित किया कि सभी लोग 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाए और इस बात को समझे कि हमारे जीवन में वृद्धा लोगों का या जो वरिष्ठ लोग हैं उनका कितना महत्व है, उनको उनके अनुभव से हम कितना लाभान्वित हो सकते हैं। एक छोटा सा कहानी है। एक बार एक 80-90 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कोर्ट यार्ड में अपने सर के साथ सोफे पे बैठा हुआ था। तब तक अचानक उसके खिड़की पर एक स्पैरो, एक गौरैया, एक चिड़िया आकर बैठ जाता है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सन से पूछता है कि सन व्हाट इज दैट। तो वो सन ने सन कहता है कि फादर इट्स अ स्पैरो। तो फिर वो पूछता है सन व्हाट इज दैट। फिर तो सन फिर बताता है कि दैट्स अ स्पैरो। फिर एक दो मिनट बाद ऐसे तीसरी बार पूछता है तो थोड़ा इरिटेट होकर कहता है। फिर जब चौथी बार कहता है तो बहुत उसके ऊपर साउट होता है और ऐसे उंगली दिखा कर कहता है कितनी बार गया तुमसे कि दैट्स अ स्पैरो। तो वो बूढ़ा आदमी अपना चुपचाप बैठा रहता है और अपने घर में जाता है और एक डायरी लेकर आता है। उस डायरी में उसको फिर अपने सर को देता है, कहता है इसमें पढ़ो देखो क्या लिखा है। तो उस डायरी में लिखा रहता है जब मेरा बच्चा जो है छोटा सा था और उसने मैं अपने बरामदे में बैठा हुआ था उसके साथ, तब तक अचानक एक स्पैरो आकर के खिड़की पे बैठता है और उसने मुझसे 21 बार पूछा कि फादर व्हाट इज दैट, फादर व्हाट इज दैट। मैंने उसको 21 बार नहीं प्यार से और हक करके उसको बताया। तो कहने के तौर पर है कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि आज किस तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कितना त्याग से, कितने पेशेंस के साथ पूरी जर्नी को पूरा करते हैं और आज हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं जो कि उचित नहीं है। आज आप लोगों को वृद्ध दिवस पे बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।